जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने विशेष कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आप हमारे पारिवारिक सदस्य हैं और सदैव आपसे भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, आप सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहें। हमेशा प्रयास करता हूं कि आपके लिए नई नई जानकारी लेकर के आऊं, आपका जीवन कैसे बेहतर हो वो आपके लिए बता पाऊं, आप जीवन में आगे बढ़ पाएं और आपके दुख दूर हों, उसके लिए आपके जीवन के कष्ट दूर हों, उसके लिए सदैव अच्छा प्रयास कर सकूं। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अपने बारे में, भविष्य के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, आपके सामने नंबर दिया जा रहा है, आप कॉल करके पूरी जानकारी को प्राप्त करके जीवन में पूरी तरह से आगे बढ़ पाएं। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो बिल्कुल यूनिक है, जिसको शायद आपने बहुत कम सुना होगा, वो है हमारा अंगूठा। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ इतना महत्वपूर्ण चीज है, जिसको शायद ये हमारे भविष्य को लेकर के इतनी महत्वपूर्ण चीजें दर्शाता है जिसकी हद नहीं है। अंगूठा, अंगुलियां हमारे जीवन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। रामचरितमानस के एक प्रसंग में आप लोगों ने सुना होगा, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही और जही तर्जनी देख मर जाही। आप सभी लोगों ने कुम्हड़े की बतिया जरूर देखी हो, कुम्हड़ा जिसको हम पेठा कहते हैं, कद्दू, उसको जब उसके अंदर फूल निकला हो और उसके बाद बतिया आ जाए, आप ऐसी उंगली करके तर्जनी दिखा दीजिए, वो बतिया आप देख लेंगे 3 दिन के अंदर नष्ट हो जाएगी, वो बड़ी हो ही नहीं सकती है। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक चीज़ है जो हमारे ज्योतिष शास्त्र को पूरी तरह से दर्शाते हैं। तो जो हमारा अंगूठा है, ये हमारे भविष्य से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियों को हमको दर्शाता है। इस अंगूठे को अगर हम शारीरिक मनुष्यों के द्वारा देखें तो इसका अध्ययन मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक नाड़ी के द्वारा विशेष रूप से मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। मस्तिष्क हमारा किस प्रकार का होगा, हमारी सोच किस प्रकार की है, हमारा विचार किस प्रकार का है, हमारा मस्तिष्क किस प्रकार का है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें अंगूठे से प्राप्त होती है। अंगूठे के 3 पर्व हैं, आप जानते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसको कहते हैं उधर भाग, मध्य भाग और निम्न भाग। ये तीनों चीज़ें अलग अलग चीज़ों को दर्शाती हैं, हमारे मस्तिष्क की अलग अलग चीज़ों को दर्शाती हैं। इच्छा शक्ति, जो ये पहला भाग, आप ध्यान देंगे यहाँ से जो ऊपर का पहला भाग है इच्छा शक्ति, मध्य का भाग विचार शक्ति और नीचे का भाग प्रेम शक्ति, ये तीनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से दर्शाती हैं। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप किसी दोस्ती होती है, मित्रता होती है, बिजनेस करना चाहते हैं, सब कुछ, अगर उसका अंगूठा देखने में बहुत भद्दा है, बहुत बेकार है, ऐसे लोगों के साथ कभी संबंध मत रखिए। ये बहुत पशु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इन पर भरोसा रखना। अगर किसी का अंगूठा देखेंगे आगे से बहुत मोटा सा है, बहुत भद्दा सा है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता करना मतलब पशुता का आवाहन करना है। कहीं ना कहीं जीवन में कभी ये व्यक्ति नुकसान दे इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। अंगूठे के 2 प्रकार होते हैं, एक सदृढ़ अंगूठा, सदृढ़ मतलब बिल्कुल टाइट, और एक होता है कोमल, जो बिल्कुल कोमल पीछे लचीला, पीछे की तरफ मुड़ भी जाता है, इधर भी हो जाता है लचीला, और एक सदृढ़ अंगूठा होता है। जो सदृढ़ अंगूठा होता है ये लोग स्वेच्छाचारी होते हैं, अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, अपने हिसाब से ही कार्य करते हैं, ये किसी के अनुसार नहीं चलते हैं। ऐसे लोग हमेशा व्यापार करते हैं, नौकरी में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। जिन लोगों का अंगूठा लचीला होता है ये लोग कोमल होते हैं, हमेशा दूसरों के अनुसार चलने वाले होते हैं, लेकिन इनकी विचार में स्थिरता नहीं होती है। ये हमेशा जिस प्रकार की परिस्थितियां हुई उस प्रकार के माहौल में ढल गए, किसी ने कुछ कह दिया उनके अनुसार चल गए। तो ये अंगूठा जो है वो हमारे जीवन में ऐसी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें लेकर के दर्शाता है। आगे भी हम खैर अंगूठे के बारे में और विशेष चीजों पर चर्चा करेंगे। तो अगर, और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, जिसका आपने अंगूठे के बारे में, बहुत अच्छा नियम है, जब वनमानुष के बारे में रिसर्च किया गया तो देखा गया कि उनके अंदर बौद्धिक क्षमता की बहुत कमी पाई गई। तो बौद्धिक क्षमता की कमी पर जब देखा गया उनके अंगूठे को लेकर के, तो उनका जो अंगूठा होता था वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच रहा था, ये प्रथम उंगली के स्टार्टिंग तक भी नहीं पहुँच पा रहा। तो यदि अंगूठा लंबा है, देखने में अच्छा है, देखने में सुंदर है, सदृढ़ है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपकी मस्तिष्क जो शक्ति है उसको एकाग्र बनाता है, मस्तिष्क को अच्छा करता है। लेकिन यदि कहीं ना कहीं अंगूठा छोटा है, वो देखने में भद्दा है, तो मस्तिष्क शक्ति को कहीं ना कहीं कम करता है। तो अंगूठा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, मैंने इस पर चर्चा किया। आपको और कोई भी जानकारी, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए अपने भविष्य से जुड़ी हुई, संस्थान का नंबर आपके सामने है, कॉल करें, जानकारी प्राप्त करें। आज मुझे दीजिए इजाजत, आप सभी लोग अपने जीवन में खुशी रहें, सुखी रहें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। जय श्री राम।